हाँ यहाँ ऐसे करके भैंस सोने लग जाते हैं। अरे ऐसे नहीं काटते हैं दो सांप ना, दो सांप जब एक साथ और लड़ते हुए हैं ऐसे ऐसे लगते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। करते ही सबसे ताजी नजर आ गई है। मैं बढ़िया हूँ, आप सही टाइम पर आ रहे हैं मेरे ब्लॉग के टाइम पे। आज देखो वहीं आती हूँ। मैं सोच रही थी आप जाओगे अभी वहाँ नहीं गए स्कूल। पागल ऐसा कैसे भी लग रहे थे, बढ़िया लग रहे हो, चमक रहे हो, हमसे ज़्यादा गोरे और क्यों। बाजार में मिर्ची हो रही है। हाँ भैया मिर्ची हो रही है आपके तो बहुत सारी। मैंने तो अचार बना दिया, दिल्ली को ले गई फिर वो अचार बनाऊंगी। है बहुत मिर्ची हो रही है। हाँ बधाई हो, धन्यवाद। ऐसा सबको बता दूं मैं, मेरे भाई की शादी तय होगी गाइस, फरवरी में शादी है। इनके बेटी है, मतलब ताई जी की बेटी है, मेरे भाई की नहीं। कहीं मेरे भाई की सोचो आप। अच्छा नहीं भाई हुआ भी वो सोची है ना तुषार की शादी तय हुई करके, तब बताया थी ना कि ताई जी की बेटी की और की है शादी तय। हाँ दुल्हन भी देखनी मैंने, बड़ी सुंदर लाए हो आप, अच्छी लग रही है। हाँ हाँ अच्छी मिल गई है ना, चलो अच्छी बात है। और बताओ बाकी क्या हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं। गदुए लौकी खा रहे होगे खूब आजकल? नहीं कहाँ, एक नहीं हो रहा। मैं दिल्ली चली गई थी, सारा फल के नीचे चले गया। लगुला लगुला अरे अच्छा से सब। अच्छा ये मिर्च खाई है बस। हाँ मिर्ची तो आपकी हो रही है ना, ये देखो सारी मिर्ची मिर्च हो रही है भर भर के। बहुत ही मिर्च हो रही है ताई जी आपकी, तो पतली पतली। अकेला आदमी के तो बहुत ही भी है ना। ना मैं तो अचार बना दे रही हूँ। अचार बना रहे हो? हाँ बहुत टेस्टी अचार है। मेरे को दिख ही नहीं रहा कैमरे में, आके आ रहा है, मैं बस बना रही हूँ। अरे मैं आई ना, मैं गुड मॉर्निंग करने देखो ताई दिखता जी दिखी, ताई देखते मैं सीधे इधर को आ गई। नमस्कार नमस्कार। या मेरे को दिख भी नहीं रहा कि हो क्या रहा है कैमरे में, इतनी धूप हो रही पता है बाहर। मैं बना रही, ताई जी भाग रही है। ताई जी मेरे को मत लेना, मेरी आवाज को मत लेना। ताई जी की मिर्ची देखो यार, कितनी मोटी मिर्च हो रही है। और आपके बैगन भी तो हो रहे हैं। हाँ, ये देखो दोस्तों। हाँ, अब ताई जी के बैगन की सब्जी मारूंगी मैं यहाँ से। नहीं अभी तो है आगे मम्मी। ये हम सोच तुम लोग स्कूल गए हुए हो। अच्छा नानी नमस्ते। एक मिनट क्या बिल्ली का बच्चा और कहाँ फंस गया ये। आजा बाहर आ। अरे ये यहाँ कहाँ से चला गया अम्मा, यहाँ कहाँ से पहुँच गई। अरे आराम से पकड़। आ गया। बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है। तो ताई जी आपके आपका बिल्ली है ना। लारी ले कितना क्यूट है, देख छोटू सा। आज मैं कह रही हूँ ना पापा मेरी बिल्ली कभी नहीं आ सकती, सदाबहार बिराव है इवन, सदाबहार इतना छोटू सा। छोड़ दिया ना क्या थोड़ी पीछे पड़ गया। हेमंत के हेमंत बुलाओ, हेमंत बुलाओ, हेमंत बुलाओ। देखो कहाँ छोड़ गया डर के मारे, देखना देखना। हाँ देखो करो करो वो देख रहे मेरे पास बताओ। अरे बच्चा हो ना ताई जी हो। ये देखो ये लो फूफा जी के पास जाओ, फूफा जी के पास जाओ। लो वो डरा मुरा हेमंत आप लेकर आए हो। मैंने सोचा हमारे काफंडे का है कितना उसके। अरे बहनों को वो याद कर रहा होगा, भाई बहनों को बहनी से माने अरे वो जाएगा फोनो खतोड़ा दिन। अरे बहनी ए पैट बिना माँ का बच्चा है वो गणेश चेल। हाँ अब चेलते हैं क्या कहते हैं की तरह है इसके लिए कि हरे ये लोग छोटे। अब बड़ा हो गया मैं उन्हें गणेश चेला मैं तो हाथ जोड़ू तो ले जाए हाथ तो मैं इनका आजाद के हैं ले लू। हाँ, मर जाएगा तो। मर जाली है खेल कर ये चकल ना चढ़ी मैं तू के ले जाए वो नहीं दबो गणेश जी नहीं। फिर कैसा है पोरू हमारे गई फिर ले आए पोरू काका सारू गई फिर ले आए। हाँ फिर ले गई। अब वो खेल रहे हैं हेमंत जाओ ना खेलो ना व्लॉग व्लॉग में खेलो। अरे कुछ नहीं करता आज मैं ऐसा खिला लो मुझे दिखाओ देखो अब कैसे खेलते हैं तुम्हें डर होगा छोटा बच्चा है ना हमारा ठंडा लग रहा है उसको ताई से पूछना ताई का घर हमारा घर पार ताई का घर हमारा हमेशा बिल्ली रोज है रोज कभी ऐसा नहीं होगा जब बिल्ली बिल्ली गौल और साहब गौल गौल साहब अल्लाह पे विरामन अलग गौल साहब और बिल्ली हां वही कैसा तू अब आ गई यार सांप कोई कैसे पाल सकता है यार घरों पे पालते हो वो क्या सांप पालते हो बस क्या नहीं पालते क्या पाला में क्या अगवा इनको एक साथ दूते ना ना सांप सांप क्यों पालते हो भाई सांपों को पाओ भाई सांप पालते नहीं है एक काला सांप रहता है यहां पर नाग वो हर मटा इतना रहो हां यही रहता है वो। गाइस ये देखो मामा के घर के पास एकदम घना जंगल हो रखा है क्योंकि यहाँ पिछले एक हफ्ते से मतलब आई थिंक 4-5 दिन से बारिश नहीं रुकी है पूरा हरा भरा। उधर आऊँ ताई जी बता रही है स्टोरी हाँ ताई जी दो सांप जब एक साथ और लड़ते हो जाए नहीं ऐसे ऐसे लड़ते हैं हाँ लड़ी नहीं है वो ऐसी एक दर्द ना ऐसी मुना लगाई है वो ऐसी आई है हाँ तो ये लगाई हो मुनाफे अच्छा जब ऐसी देखी हूँ जब दो नाग नागिन दिखाई देते हैं ना तो गांव में कहते कुएं बनाने होते हैं और जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पे आके उनकी पूजा वगैरह करके आरती वगैरह करके मैं फूल बना रहा मैं फूल बनाए घर गए मैं ये पचरम फूल हुई धूप ली हुई भतेर पर सिलाई ली हुई और उसमें बच्ची जगह आई हूँ आगे चढ़ाई उनका भगवान तुम जाए दुबई तुम ये बटन खिलाम था हर बार ये महन हो गई एक महन हो गई उन्हें दी दे दी मैं आखिर दिन एक बार हमारे घर के नीचे भी दो सांप ना दो दी नहीं थे नाग वो काश लोग वीडियो बनाने आ रहे थे वो भी एक हफ्ते से ज्यादा खड़े हुए बाबा की मम्मी ने भी यही किया पूजा पाठ करी तब जाके सॉरी पैर बार कुछ नहीं पीछे से आ गया था मेरे खेल रहा है बच्चा खेल रहा है अच्छा ऐसा होता है गांव में हमारे यहाँ हमारी रक्षा करता है ना हमेशा अब भगवान चली जाले हमरा उम्र भर कतो हमर गोठवन देखेले कतो हम भगरो गोठ देखेले हमारे घर में कैसे पर भगवान ने साथ हमारे घर में कैसे लगते हैं पसंद के साथ तेरा कान में जितने मां और मठा वो देखिनी साफ कबे अभी फिर ऐसा कैसे ना साल नहीं अच्छा पहले हमारे वाला जब हमारा घर बना नहीं था भाई आज मैं रात को सोऊंगा मेरा बेड इधर-उधर से देख लियो कल ये मन करा कि बैठ के छुपा देख सांप तो नहीं है फिर मैं सोऊंगा ऐसा कुछ नहीं है लेकिन यहाँ के तो मेरे को सांपों की टेंशन हो जाती है। नुकसान नहीं करते भैंस को मेरी मम्मी ने बेचा है हेमंत की नानी को इसका नाम जो भानू रखा है मेरा मेरे नाम पे भैंस का नाम बताया था तूने पहले भी ये भी आ गया बिल्ले मत जाओ उधर जब भैंस को अगर वाला वो करना हो ना तो ये देखो यहाँ पे खुजली करके भैंस उधर दिखाओ भैंस सोने लग जाएगा ये हिस्सा है ना ये यहाँ ऐसे करके भैंस सोने लग जाते हैं ओह सोने लगा मारने को आ रहा है वो मारने लगा ये देखियो बिल्ली को देखियो उसे डर भी नहीं लग रहा वहाँ जाने में इतना एक साल एक महीना होगा गया एक साल हो गया क्या बोले भादो में भैंस नहीं आया क्या माँ हुए थे हम जाओगे अच्छा ये भी हमारे में भी आया था तुम्हारा बच्चा थोड़ा है या तुम्हारा बच्चा है या अच्छा ये दोनों हमारे घर की है लड़कियों का आधार पता क्या सारा भैंस का भी आधार पता ऐसा ऐसी है वो सो रहा हूँ अच्छा उठा भागे हाँ थोड़ा चली हाँ ये बिल्ले को कुछ करेगा नहीं जा रहा है देख वो देख उधर जा रहा है देखियो डर भी नहीं लग रहा उसको चाटेगा उसको प्यार कर रहा है प्यार यार भाग गया जा अब नहीं आएगा इनके तो काम ही खत्म नहीं होते हैं काम 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 और मम्मी अभी बज रहे हैं शाम के आई थिंक 5:30 और मौसम हो रहा है इतना सुहावना ऊपर देखो कितना साफ हो रहा है पूरा ऐसा लग रहा है नीचे देखो गधेरा ऐसा आवाज़ भी आ रही होगी आपको यहाँ पर पूरा पानी वानी बह रहा है तो मम्मी गई थी अभी खेत में भट्ट निकालने के लिए भट्ट होता है ना भट्ट के हम लोग दाल वाल खाते हैं तो ये जो हरा हरा आपको दिख रहा होगा भट्ट है अभी ये वहाँ उस खेत से निकल कर आया है वो खेत आपको दिखाई दे रहा होगा मम्मी भट्ट लेकर आ रही है, आज धूप आई है बड़ी मुश्किल से, तो इसीलिए मम्मी ने कहा कि भट्ट निकाल के ले आती हूँ। कल को अगर फिर से बारिश आ गई तो अब इसको जब सुखा देंगे, सुखाने के बाद इसको फिर लकड़ी से मारते हैं इसके ऊपर, फिर दाएँ निकल जाते हैं, उसका फिर दाल बना के खाते हैं। मतलब पहाड़ी दाल, अगर आप लोग पहाड़ी रेस्टोरेंट वगैरह में आए होंगे तो भट्ट की चुड़कानी, भट्ट के डुबके वगैरह वहाँ पर मतलब मिलता है, तो ये वही भट्ट की दाल है। और मैं हेमंत से कह रही हूँ 1 घंटे से चल दो कहीं घूमने है, और जा रहे हो क्या? अरे चलो फिर मैं आ रही हूँ, चलो। मम्मी कह रही हाँ आ रही हूँ मैं, मम्मी कह रही मैं और भट्ट काट के आती हूँ, तुम मेरे साथ आ जाओ, मेरे को सर में चढ़ाने के लिए कोई मिल नहीं रहा है साथी वहाँ पर। तो मम्मी जा रही खेत में, अभी मैं जाती हूँ मम्मी के साथ खेत में ही, आप लोगों को भी जाती हूँ साथ ही, फिक्र मत करो यार। इसमें ना वो फिर बहुत दर्द होता है, अगर ये शिशौन क्या बोलते हैं उसको, वही होता है ना शिशौन, गाँव में बच्चों को डराना, शिशौन लगा लो। एक बार जब मैं छोटा था ना बहुत, तब मेरे हाथ में लग गया था, हाँ। और भाई हाँ, एक बार उसके बाद मैं अलग से दूर रहता हूँ उनसे। इनमें ध्यान देना, ये जो ये चीज है ना, ये चीज है, ये चुप जाती है, दिखाओ। मत कर हाँ, ये चिपक जाती है कपड़ों पे, पता है मेरे को, हाँ। तो इससे बच के रहना, वरना कपड़े सब खराब हो जाएंगे, आफत है वैसे। वो है मम्मी लेके भी कैसे रास्ते जा रही है, देखो जरा, ये भी दिखा रही हूं मैं, ये पता है ना मडवा खाते हैं ना, हां मडवा खाते हैं, हाँ। तो मडवा जब वो मडवे का ना खाली जो फूल होते हैं वो काट के गांव में घर को ले जाते हैं, और जो उसकी झाड़ होती है उसको इस तरह से देखो लगा दिया, सूखने के लिए छोड़ दिया। तो मतलब इससे क्या है ये लूटा, काम क्या आएगा वो बता? गाय भैंस खाएंगे। अबे मुझे लगा कुछ और काम आएगा। चल एक थंबनेल ले लो, क्या बता मैं इसको देख, कुत्ता देख, जैसे कुत्ता चाहिए ना मेरे को, ऐसे कुत्ता चाहिए। अबे मुझे भरोसा नहीं है ना, क्या पता काट फूट दे नया इंसान से। देखो गाइस पहाड़ में एक चीज है, पहाड़ी कुत्ते बहुत गप्पू टप्पू ऐसे होते हैं, इतने बाल। अरे इतना हेल्दी खाना खाते हैं यहाँ पे, इतना अच्छा नेचर, वही नॉर्मल रोटी सब्जी, लेकिन यहाँ पर क्या ठंड हो जाती है, वैसे उनके जो बाल है ज्यादा रहते हैं बॉडी में, कहता हूँ सब कुछ ओरिजिनल खा रहे हो यहाँ पे। अब सब कुछ चेंज हो गया है, पहले यहाँ तो धान वान हुआ करते थे, वो भी सब बंजर पड़े थे, पहले इतना अच्छा था। चलो मैं आपको दिखाती हूँ भट्ट कैसे होते हैं, भट्ट कैसे दिखाती हूँ, भट्ट की चुड़कानी। अभी हम आए थे रास्ते में, हमको कुछ लोग मिले हेमंत के घर के, हाँ, हेमंत के मेरे गांव के, हाँ गांव के। तो वहाँ पर एक वो कह रहे थे कि भट्ट के डुबके खाओगे, फिर भट्ट लेकर आओ सर, तब भट्ट के डुबके खाओगे। वो पूछ रहे थे कभी खाएं, मैं अब उनको क्या बताऊँ कि हफ्ते में 1 दिन बनी जाते हैं घर में, अजीब सा हो रहा है, नीचे पैर जा रहे हैं। अरे पानी की वजह से नीचे हुए, तुम्हारे नानी का खेत है, बता दूँ। अच्छा हमारी नानी का खेत है, हमारा खेत है, यहाँ से वहाँ तक मेरी नानी का खेत है। रोड बना दिया तुमने पैदल चलने के लिए, यही बोलोगे और क्या बोलोगे, रोड बना दिया। ये रहा भट्ट, ये रहे गोबर के टुकड़े। जब कहाँ है भट्ट, क्या होता कैसे, वो तो दिखा मेरे को भी जरा। भट्ट नहीं देखा तुमने? ना मुझे नहीं पता कैसे पेड़ होते हैं उसके। भट्ट की चुड़कानी, भट्ट की दाल दिखाना मम्मी जरा कैसे होते हैं। ये देखो दाने उठा के, पेड़ उठा के देखो, ये देखो चलो, ये सारे भट्ट हैं। अच्छा ये भट्ट है, ये होते हैं, हाँ। तो इसको छीलना होता है एक-एक करके, इसको ना हम सुखाएंगे, निकालोगे इसमें से एक-एक करके, ये लाठी से टूटेंगे, इसको 0.5 में करेंगे, लाठी से टूटेंगे, फिर इसके दाने निकालेंगे, साफ करेंगे, सुखा के इसके चुड़कानी डुबके बहुत दाल सब कुछ बनता है। इसको तो गाय भैंस को भी खिलाते हैं, गाय भैंस को, भैंस का घी बनता है इससे। यहाँ इन खेतों में धान हुआ करते थे, अब नहीं होता, कोई करने वाला नहीं, तो सब भटवट लगा दिए, वरना ये भटवट हमेशा ना ऊपर जंगल में हुआ करते थे। अच्छा वो नहर के ऊपर जो खेत होते हैं उसमें। ओके तो अभी इसको ऐसे इकट्ठा करेंगे। ये तो बड़ा मेहनत वाला काम है यार, इतना बड़ा। तुम्हें क्या लग रहा है, यह सोच का मेहनत है, अभी कहाँ हो रहा है, ये तो अब तो है ही नहीं, पहले होता था। हाँ, अब हमारा काम 1% भी नहीं, 100% में से। अब तो ट्रैक्टर आ गए हैं, डेढ़ मीटर खोदने पड़ते हैं, तो डेढ़ इतने बड़े बड़े, इतना झुके तो मेरी कमर टूट जाए। सबने कुछ काम नहीं किया है खेतों में कभी, पागल है क्या, मैंने कहाँ से काम किया खेतों में? तो तुम जाओ जाओ मम्मी के साथ, थोड़ा काट के दिखाओ, वो काट के दिखाओ, दराती से काट के दिखाओ, दराती से काट के दिखाओ। पोज वो है ना, तुम भट्ट काट के दिखाओ ना, काटने की तरफ से वो तो बताओ पहले। अरे ये मोटे-मोटे डंठा है नीचे से देते हैं। अरे ऐसे नहीं काटते हेमंत, वो झाड़ थोड़ी ना है। फिर मम्मी बताओ जैसे कैसे काटते हैं। अबे काट दिया, देख अलग कर दिया, दे दिए क्या ऐसा 10 मिनट में? हाँ सब काट 10 मिनट में, ऐसे ऐसे थोड़ा काटते हैं, ऐसे काटेंगे अगर तो हो गया। फिर भोटिया कुत्ते का ना, भोटिया कुत्ता ही होता है ना वो, ये जो गया नहीं भोटिया नहीं है तो लोकल कुत्ता है। हाँ लोकल कुत्ते भी ऐसे ही होते हैं, मोटे मोटे ताजे भोटिया कुत्ते। चलो बाय बाय कर दे, इस व्लॉग को एंड कर देती हूँ, बहुत बड़ा हो रहा है। भोटिया ये है, सही कह रहा हूँ। ये भोटिया कहाँ है? थिम्पू है, वहाँ का राजधानी का नाम रखा है उसका, थिम्पू भूटान का राजधानी है वो। क्या बात कर दी तूने, सही में भोटिया है वो। कोई बात बनती, राजधानी का नाम है थिम्पू, उसका नाम थिम्पू रखा है। भूटान का राजधानी वो है ना, मम्मी इतनी जनरल नॉलेज तो मेरी नहीं पता। तुम्हें किसने बोल दिया भूटान के नाम पे कुत्ते का नाम रखा? अरे रखा है उन्होंने, उसी का नाम पे रखा है। बच्चा मिल जाएगा ना सच में, बड़ा सही होगा। चलो इतना छोटा छोटा है। हाँ वो ऐसी है कोई छोटा यहाँ पे पिल्ला। ठीक है गाइस, बाय बाय, गुड नाइट। हाँ तो हम आ रहे हैं ना, साथी में तो जा रहे हैं, उसमें कह रहा है बाय बाय व्लॉग में। व्लॉग के लिए कह रहा हूँ, मम्मी को टेंशन हो गई कि छोड़ के जा रहे हैं सारा काम मेरा। चलो बाय, चलो गाइस बाय बाय।